देख सकते हैं मस्जिद आले सुन्ना الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه أما بعد معزز حاضرين हम तमाम जानते हैं कि गुज़िश्ता पंद्रह रोज से हैदराबाद में लगातार मौसमाधार बारिश की वजह से जो नुकसान हुए हैं और जो दिल खराश मनाजिर पेश आए हैं वो नाकाबिले बयान हैं। जिन अफराद के रिश्तेदार पानी की वजह से फौत हो चुके हैं हम उन अफराद के साथ ताज़ियत पेश करते हैं और उन्हें तसल्ली देते हैं कि अल्लाह तबारक व तआला इंशाअल्लाह उन्हें शुहदा के दर्जे पर फ़ारिज करेगा, क्योंकि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फरमान के मुताबिक पानी की वजह से गर्काब होकर जो फौत हो जाते हैं या घर गिरने की वजह से क्या या कोई और चीज़ गिरने की वजह से जिनकी मौत वाक़ होती है ये सब इंशाअल्लाह शुहदा के दर्जे में हैं। जो अफराद महफूज हैं लेकिन जिनका सब कुछ बह गया हम उन्हें भी सब्र की तलकीन करते हैं, क्योंकि अल्लाह तबारक व तआला सब्र करने वालों के साथ है और सब्र करने की वजह से अल्लाह की मदद इंशाअल्लाह शामिल हाल रहेगी। इस मौके से अहिया सुन्ना तालीमी और रिफाही इदारा अल्हम्दुलिल्लाह मुख्तलिफ शक्लों में जो तालीमी और रिफाही खिदमत अंजाम देता है जमीयतों के साथ बड़ी तंजीमों के साथ भी वो अपना अखलाकी फरीज़ा अदा कर रहा है रोज़े अव्वल ही से। अफराद भी अपने तौर पर बेलौस खिदमत कर रहे हैं मंजर पर आए बगैर। अल्हम्दुलिल्लाह उसी उन्हीं खिदमत की एक ये अदना सी शक्ल है कि कुछ अहबाब के दरमियान नकदी इमदाद की जा रही है और कुछ ग़िज़ाई अजनास खाने पीने की चीज़ें और कुछ इस्तेमाल की चीज़ें घरेलू इस्तेमाल की चीज़ें साजो सामान और कुछ कपड़े मर्द और ख़वातीन के लिए फराहम किए जा रहे हैं। इस मौके से मैं दीगर अहबाब से इल्तिमास करूँगा कि वो अपने अपने दायरे में ज़रूर खिदमत करें, औरों को भी तवज्जो दिलाएं, क्योंकि सबसे बेहतरीन इंसान वो है जो दूसरे इंसानों के काम आ सके। और जो अफराद मसाकीन के लिए फिक्रमंद रहते हैं, सैलाब से मुतासिर मसाकीन हो या किसी भी मुसीबत की वजह से वो मिस्कीन हो चुके हों, फिक्रमंद रहने वालों के लिए बहुत अजीम अजर है। बिला नागा रोज़ा रखने वालों के बराबर अजर, बग़ैर थके तहज्जुद पढ़ने वालों के बराबर अजर और अल्लाह की राह में जाफिशानी करने वालों के बराबर अजर है। और ऐसे मददगारों की मदद में अल्लाह तबारक व तआला लगा रहता है। लिहाजा वक्त की ये सबसे बड़ी नेमत है, इसे गनीमत जानना चाहिए। वक्त की ये सबसे बड़ी अफजल नेकी है, इसका ख्याल रखना चाहिए। इस मौके से मैं सदर मोहतरम से दरख्वास्त करता हूँ, और अल्हम्दुलिल्लाह हमारे दरमियान नवाब साहब कुंटे के ज़िम्मेदार हैं, कॉरपोरेटर साहब हैं अब्दुल हमदान साहब भी, इन दोनों साहिबीन से मैं दरख्वास्त करता हूँ कि नकदी जो कवर्स हैं लिफाफे हैं वो तकसीम फरमाएँ मुतासरीन के दरमियान, और इंशाल्लाह बकिया जो चीज़ें हैं वो उसके बाद एक तरतीब से ज़िम्मेदारों के हाथ से दे देंगे। جزاكم الله خيرا بارك الله فيكم السلام عليكم تمام کئی بھلائی کام یہاں سے ہمیشہ ہوتے رہتے ہیں اسی زمن میں جو پچھلے دربار دن سے پانی سے متاثرہ علاقوں کے اندر خاص طور سے جبل کالونی اور جو ہے پاور نگر کافی پاور نگر کے ایریے کے اندر और कई ऐसे नबील कॉलोनी और ऐसे मकाम पर जहाँ जहाँ पे पानी से बहुत सारे मुतासर लोग हैं, हम लोगों ने वॉलंटियर ली वहाँ पर जाकर बहुत सारे मुतासर से दुआ की, साफ सफाई का काम की, वैसे थे हाथ मिल के कारपोरेटर की हैसियत से हम लोगों ने बहुत सारे काम किए, रोजाना रात भर भी लाइट के इंतजाम नहीं थे, सफाई का इंतजाम नहीं थे, हम लोगों ने जमात की तरफ से बहुत सारे काम किए।
जब कभी भी कोई भी सहानिया होता है तो पहला कदम आप लोगों ने रखकर इस मस्जिद के इस कमेटी के इंतजामी का बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ कि हमेशा ये लोग कामों के अंदर आगे बढ़ बढ़कर पिछली मरतबा भी कई ऐसे वाकत हुए तालीम के मैदान में भी बच्चों के लिए जो काम कर रहे हैं आप लोग, जैसा कि इस मस्जिद में उपास का इंतजाम है, तालीम इदारे जो बहुत सारे चल रहे हैं, पिछली मरतबा कोविड के मामले में भी बहुत सारे मुतासरीन के लिए गैस मतलब जैसा कि ऑक्सीजन के सिलेंडर्स के मामला था, तो डॉक्टर से रबते के लिए मस्जिद जोरेन के अंदर एक बहुत बेहतरीन कारकर्दगी आपके लिए इंतजामिया के जरिए हुआ है। इसके अंदर भी आप लोगों ने एक प्रोफेसर नाम के बेहतरीन इन्फेक्शन स्पेशलिस्ट को लेकर आकर मुस्तफ़ा अफजल नाम के डॉक्टर साहब को लेकर आकर आप लोगों ने बेहतरीन काम किया। लोगों से मशवरा करकर घरों में क्वारंटाइन रखकर उनको इलाज मानने का काम किया और ऑक्सीजन सिलेंडर्स की जो उनकी ज़रूरत थी, तमाम दवाएँ जितने भी टेस्ट थे उन लोगों को घर में क्वारंटाइन रखकर इंतजामिया इसी इंतजामिया के जरिए निगरानी में तमाम बहुत बड़ा काम हुआ। लिहाजा इस इंतजामिया का यहाँ के जितने भी इंतजामिया कमेटी के मेम्बर का मैं बहुत बहुत मैं शुक्रगुजार हूँ, क्योंकि आप लोगों ने तब कभी भी इस्लाम के मामले में जो कोई भी मुसीबत आई आप लोगों ने अपना हक समझ कर दीन का एक सही जज्बा है के तहत आप आगे आकर काम कर रहे हैं। आपके जज्बा